हेलो गाइस, मैं मनोज फुलारा और आज हम लोग बात करने वाले हैं नेवी एमआर के एग्जाम की, जिसका पेपर आज 26 फेब 2019 को हुआ है। दोस्तों देखेंगे शिफ्ट वन और शिफ्ट टू में कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए आज नेवी एमआर के एग्जाम में। गाइस, मैंने शिफ्ट वन की आंसर की ऑलरेडी अपलोड कर दी है, अगर आपको चाहिए तो आप मेरे चैनल में जाइए या फिर मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, आप वहां से देख लीजिएगा। दोस्तों काफी सारे क्वेश्चन एज इट इज आ रहे हैं, काफी सारे क्वेश्चन रिलेट होके आ रहे हैं, तो प्लीज पेपर देने से पहले आप प्रीवियस आंसर्स की जरूर देख लें नेवी की। और आपको आंसर की कहां से मिलेगी, आपको जाना है मेरे चैनल में और या फिर मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, आप वहां से देख लीजिएगा। तो गाइज आपको काफी मदद मिलेगी, आपको काफी आइडिया लगेगा कि किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, जैसे कैपिटल से रिलेटेड क्वेश्चन आ रहे हैं, बुक से रिलेटेड क्वेश्चन आ रहे हैं, गेम से रिलेटेड क्वेश्चन आ रहे हैं। दोस्तों तो काफी आपकी हेल्प हो जाएगी। तो चलिए चलते हैं और बात करते हैं आज शिफ्ट टू नेवी एमआर के एग्जाम में कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए। पहला क्वेश्चन पूछा गया, हु रोट डिस्कवरी ऑफ इंडिया। तो गाइस जिसने डिस्कवरी ऑफ इंडिया की बुक लिखी थी वो थे हमारे जवाहरलाल नेहरू जी। मूव करते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। पूछा गया था 2020 का ओलंपिक कहां पर होना है। तो गाइस 2020 का ओलंपिक टोक्यो शहर में होगा और टोक्यो किसकी राजधानी है, जापान की। मूव करते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ। पूछा गया था रिकेट्स रोग किस विटामिन की कमी से होता है। तो गाइस रिकेट जो होता है वो विटामिन डी की कमी की वजह से होता है, विटामिन ए होता तो नाइट ब्लाइंडनेस होता, विटामिन बी होता तो बेरी बेरी, विटामिन सी पे होता है स्कर्वी, और अगर आपसे पूछ लिया गया ब्लड क्लॉटिंग के लिए कौन सा यूज होता है तो विटामिन के होता है। मूव करते हैं फोर्थ क्वेश्चन की तरफ। पूछा गया था वर्ल्ड लार्जेस्ट रिवर। तो गाइस वर्ल्ड लार्जेस्ट रिवर है अमेजन। अगर यही क्वेश्चन पूछा जाता वर्ल्ड लॉन्गेस्ट रिवर का तो वो होता नाइल रिवर। अमेजन बहती है साउथ अफ्रीका में और नाइल रिवर जो लॉन्गेस्ट रिवर है वो बहती है इजिप्ट में। मूव करते हैं फिफ्थ क्वेश्चन की तरफ। पूछा गया था अभिज्ञान शकुंतलम पुस्तक के लेखक। तो गाइस अभिज्ञान शकुंतलम के जो लेखक हैं उनका नाम है कालिदास। मूव करते हैं सिक्स क्वेश्चन की तरफ। पूछा गया कॉम्प्लीमेंट का सिनोनियम्स। तो गाइस कॉम्प्लीमेंट का सिनोनियम्स होता है ट्रिब्यूट या फिर कमेंडेशन। सेवेंथ क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पूछा गया था बुल्गेरिया की करेंसी। तो गाइस बुल्गेरिया की करेंसी है बुल्गेरियन। एट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पूछा गया था मैक्सिको की कैपिटल। तो गाइस मैक्सिको की कैपिटल है मैक्सिको सिटी। नाइन्थ क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पूछा गया था ब्लाइंड क्रिकेट वर्ल्ड कप 2018 किसने जीती है। तो ब्लाइंड क्रिकेट वर्ल्ड कप 2018 भारत ने जीती है। टेंथ क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पूछा गया था गंगा की सहायक नदी कौन सी है। तो गाइस गंगा की सहायक नदी है सोन नदी, गोमती, यमुना। इलेवेंथ क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पूछा गया था कैपिटल ऑफ ऑस्ट्रेलिया। तो गाइस कैपिटल ऑफ ऑस्ट्रेलिया है कैनबेरा। तो देखिए काफी सारे क्वेश्चन कैपिटल से पूछे जा रहे हैं। ट्वेल्थ क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पूछा गया सबसे लंबा नेशनल हाईवे। तो गाइस सबसे लंबा नेशनल हाईवे है NH 44। तो ये थे कुछ क्वेश्चन जो पूछे गए शिफ्ट टू में। चलिए चलते हैं और देखते हैं और कौन कौन से क्वेश्चन आज नेवी शिफ्ट टू के एग्जाम में पूछे गए हैं। 13 क्वेश्चन पूछा गया था प्रकाश विद्युत सिद्धांत में नोबेल प्राइज किसको मिला है। तो प्रकाश विद्युत सिद्धांत में नोबेल प्राइज अल्बर्ट आइंस्टीन को मिला था 1921 में। उन्होंने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की खोज की थी। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में क्या होता है, जब हम एक कांस्टेंट एनर्जी और फ्रीक्वेंसी की लाइट को किसी ऐसे मेटल के ऊपर छोड़ते हैं जैसे पोटेशियम या सीजियम, तो उनसे इलेक्ट्रॉन बाहर निकलते हैं। उन इलेक्ट्रॉन्स को हम लोग कहते हैं फोटो इलेक्ट्रॉन्स या फिर डिफॉर्मल, और पूरे प्रोसेस को कहा जाता है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। इसका एग्जाम्पल है सोलर कैलकुलेटर। चलते हैं 14 क्वेश्चन की तरफ। पूछा गया था 1 byte इज इक्वल टू। तो गाइज 1 byte इज इक्वल टू 8 bits या फिर 2 nibbles। 15 क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पूछा गया था राष्ट्रीय मंडल खेल का आयोजन कब हुआ। तो राष्ट्रीय मंडल खेल का आयोजन 1930 में हुआ। 16 क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पूछा गया था 2026 ओलंपिक कहां पर होगा। तो गाइस 2026 ओलंपिक होगा यूएस, मेक्सिको और कनाडा में। मूव करते हैं 17 क्वेश्चन की तरफ। पूछा गया एनसीटीई की फुल फॉर्म। तो गाइस एनसीटीई की फुल फॉर्म होती है नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन। 1973 में इसकी स्थापना हुई थी और इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। तो गाइज ये थे कुछ क्वेश्चंस जो आज पूछे गए नेवी एमआर के एग्जाम में। उम्मीद करता हूं आपको पसंद आए। अगर आपको पसंद आए तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, वो जो लाल बटन है प्रेस दैट रेड बटन सो दैट यू कैन ईजिली गेट माई वीडियोज। जो भी नई वीडियोज मैं डालूंगा उसकी नोटिफिकेशन और अपडेट आपको मिलते रहेगी। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।